नमस्कार शिकाब हलो हाई केम छो की हालचाल गईस कैसे आप सभी लोग मेरा नाम शोम गुप्ता और आप देख रहे हो जी अड्डा सड्डा गाइज मैं आज को बात करने वाला हूं पांच क्वेश्चन के बारे में वो पांच क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे अपने एग्जामिनेशन में आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के के क्वेश्चन पेपर हैं और इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आप लोगों से बार बार पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से लेकर के आया हूँ फ्लूज मैकेनिक से लेकर के आया हूँ और एफ के वो पांच क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं उनकी उम्मीद हमेशा रहती है कि वो हमेशा आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन हो सकता है सिंपल हो लेकिन वो क्वेश्चन अगर बार बार

से क्वेश्चन आया और इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन जहां पर आप लोग देते हो कि भाई कोई भी फ्लो है वो किस में आपका आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसी से ही क्वेश्चन और फंसता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का इसमें भी आंसर आप लोगों को क्या देना है कंजर्वेशन हम्म hmm. ऑफ मास, किसमें होता है इक्वेशन में अगर आप लोगों का आ जाए यहां पर बर्नौली तो राइट right? अगला क्वेश्चन की स्क्रीन पर है, ये है, fluid. Fluid क्या होता है भाई तीन कंडीशन मैंने बताई थी पहली कंडीशन नॉन विस्कस होता है दैट इज विस्कोसिटी जीरो होती है दूसरा कंडीशन थी दैट सर्फेस टेंशन जीरो होता है और तीसरी कंडीशन थी इनकम्प्रेसिबिलिटी राइट इससे भी आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे गए दो में

द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाइस देखो अब अगर आप लोगों से एब्सोल्यूट प्रेशर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछ रहा है मतलब पी गेज के बारे में पूछ रहा है और पी गेज इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर अब पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ के जाइएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैरोमीटर टोरेसिली दट इज एवेंजिलिस्टा टोरेसिल जिन्होंने बैरोमीटर दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 101.325 जीरो वन किलो पास कल प्रेशर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हाइट

Solid, right? और जो आप लोगों का यहां पर ए है आइडियल फ्लूड है ideal fluid है. और इसमें आप लोगों का जो 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 है, 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 है. को करता और आपको दिख रहा है, actually में ये fluid है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लुइड राइट तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आइडियल सॉलिड का आंसर ऑप्शन नंबर डी डी पर ताला लगा दीजिएगा ओके okay, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे इन पांच क्वेश्चन से आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना इससे आप लोगों के के इसी टॉपिक से से आपके क्वेश्चन पक्का 110 SSCGE में वापस से देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि SSCGE की एक खास बात है वो हमेशा से क्वेश्चन रिपीट करता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है पता नहीं क्यों रिपीट कर रहा है लेकिन हर बार करता है हर बार हमें लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं आएगा लेकिन हर बार आ जाता है अभी भी पेपर उठा के देख लो यही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और गाइज अगर

बढ़िया अच्छी करो और नए साल से तैयारी में लग जाओ राइट इस तरीके से कुछ सोचो और बढ़िया तैयारी करो बस कोड याद रख लेना दैट इज Y एक सौ छाछठ इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और अगर एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो 78% परसेंट का मैक्सिमम डिस्काउंट आप इससे ले सकते हो कॉइंस यूज करके ठीक है तो चलो गईज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय